मैं अभी आ गया हूँ यहाँ पे सुभाष नगर में। आप ऊपर देख सकते हो यहाँ पे काला बर्गर वाला है, बहुत फेमस इनका बर्गर है। मेरे साथ है काला बर्गर वाला के ओनर मंजीत पाजी। पाजी आप बताओगे कि कितना टाइम हो गया आपके यहाँ पे बर्गर को? 25 ईयर्स। आप 25 ईयर्स से सेम शॉप में यहाँ पे कर रहे हो। और स्पेशलिटी क्या क्या है आपकी, क्या क्या सर्व करते हो आप? बर्गर है, स्प्रिंग रोल है, चाइनीज में है, सोयाबीन चाप पे है। और तो इन सब में से आप मुझे क्या ट्राई करवाने वाले? आपको ग्रेवी बर्गर बेस्ट है। ग्रेवी बर्गर मतलब चटनी वटनी है या कुछ नया है? नहीं, एक्चुअली बेसिकली चापों की ग्रेवी है, जो तवा चाप ग्रेवी। हाँ जी हाँ जी, उसकी ग्रेवी है। उसकी ग्रेवी में मतलब मेरे को ना ग्रेवी वाला ही बना रहा हूँ, ग्रेवी वाला। हाँ जी, टिक्की लगा दी, टिक्की लगा के प्याज लगा के पनीर, प्याज पनीर, हाँ जी, टमाटर मसाला डाल दिया, टमाटर डाल दिया, तो काट दिए दो पीस में काट दिए। हाँ जी, तो इसमें ग्रेवी कौन सी डालोगे आप? ग्रेवी डालेंगे मलाई चावल, जिसके ऊपर ये ग्रेवी डाल दें, मलाई चाप की ग्रेवी। ग्रेवी डाल दो। ग्रेवी किस चीज़ की बनती है ये? काजू मगरी। काजू मेरे साथ है यहाँ पे कवल पाजी, ये यहाँ पे काला बर्गर वाला पे बर्गर खा रहे हैं। आप कौन सा बर्गर खा रहे हो पाजी? सर मैं खा लूँ आलू टिक्की बर्गर, आलू टिक्की विद पनीर। आलू टिक्की खा रहे हैं ये विद पनीर। आपने ये ग्रेवी वाला क्यों नहीं खाया इनका, जब ये स्पेशलिटी है ग्रेवी वाला, ग्रेवी वाला क्यों नहीं खाया? क्यों नहीं खाया तो मैं क्या बताऊँ, आलू टिक्की फाइन विद मी। अच्छा, तो ये वाला ट्राई करके बताओ ना आप, ये वाला कैसा है? सर ग्रेवी वाला, मैं ग्रेवी खा लेता हूँ थोड़ी सी अपने बर्गर में। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना। हाँ एक काम करते हैं, दो पीसेस में एक पीस आप खाओ, एक पीस मैं। नहीं सर मैं खा चुका हूँ, मैं खा चुका, आप खाए अपना। चलो मैं बताता हूँ कि ये बर्गर कैसा है ग्रेवी वाला। कैसे लगा? मुझे तो बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया लगा। कुछ नया एक्सपीरियंस आया कि मैंने बर्गर वो भी ग्रेवी वाला खाया, और टिक्की और पनीर जो इन्होंने डाल रखा था आपने खाया होगा? हाँ बिल्कुल, डिफरेंट इतना अच्छा था, इतना अच्छा था कि मुंह में जाते ही पिघल गया सारा का सारा। ये यहाँ की बहुत पुरानी दुकान है। अच्छा, काला बर्गर वाला। हाँ जी हाँ, इन्होंने मतलब जब यहाँ पे कोई शॉप नहीं होती थी, खाली ये शॉप होती थी उस टाइम में। अच्छा अच्छा, तो ये सारी शॉप बाद में बनी है, बहुत फेमस दुकान है, बहुत फेमस। हाँ लग भी रहा है, बहुत अच्छा बर्गर है ये जो मैं खा रहा हूँ। इसमें जो चाप की ग्रेवी थी बहुत से अच्छी थी, और ट्राई करना है। आप आराम से आइए यहाँ पे, गूगल मैप लिंक मैं आप लोगों को दे दूँगा, उसके बाद आप यहाँ पे आराम से आ सकते हैं। और बर्गर पाजी मुझे बता रहे थे कि यहाँ पे ये स्प्रिंग रोल देते हैं चीज़ वाले, वो भी आप आराम से यहाँ पे खा सकते हो। तो ऐसे ही बहुत सारी वीडियोज़ आपके लिए आती रहेंगी, लेकिन मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए डेली फूड स्टोरीज के लिए, और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इस चैनल के नोटिफिकेशन आपके पास वीडियो डालते ही आ जाए। सब्सक्राइब कर लो भाई, खाते में मत देखो इतना। बर्गर को ग्रेवी में डाल डाल के मजा आ जाएगा।